वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। आज हम जा रहे हैं धान काटने के लिए। धान धान कट गए हैं, उनको लेने जा रहे हैं। ये पीछे आ रहा है छोटू। हाँ छोटा यार, एक बज रखा है, बहुत तेज धूप हो रही है। ये देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड कैसा हो रहा है। ये तो थक गया भाई, घर आया तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ऐसे थोड़ी चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा यार। इसको तो मैं पेल करूँगा आज, ठीक है। तो ये हमारे पीछे का व्यू, ये लोगों के धान कटे हुए हैं, थोड़ा बहुत सुखा रखे हैं। ये बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया लोगों का। बारिश हो रहा, हमने आधा रास्ता फेंक दिया यार। ये अभी ये धान कटेंगे छोटे छोटे। यहाँ भटकी खेती भी हो जाती है थोड़े बहुत, भटकी खेती ज़्यादा नहीं होती। ये देखो, ये क्या मिल गया मुझे, ये क्या मिल गया मेरे को, ये इसको क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, इसको क्या बोलते हैं, क्या है ये। ये चला गया एक बार लाने के बाद, ये बहुत थक गया है। क्या नहीं है, पहली बार इसलिए बोलता हूँ भाई, करना चाहिए कुछ ना कुछ, सब करना चाहिए, थोड़ा बहुत सब काम आना चाहिए। भट, ये हमारे भट पक गए हैं यहाँ, देखो ये कितना अच्छे अच्छे भट हो रहे हैं हमारे। ये भट तो सूख गए हैं, कुछ काम की नहीं है। ये बाकी के भट हो रहे हैं, किसी के पता नहीं किसके भट हैं, ये भट हो रहे हैं। तो सेकेंड राउंड हमारा शुरू होने वाला है। धान बांध दिए वहाँ, अब हम सेकेंड राउंड लेने आएंगे। मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, जुकाम सर्दी से बहुत तबीयत हालत ख़राब हो गई है यार, क्या करें यार। ये हमारे लिए बांध दिए सेकंड राउंड के, ये नितिन ले जाएगा इसको, उसको वाला ये वाला मैं लेके जाऊंगा। ये एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, हमारे वहाँ क्या क्या होता है करके। ये होता है, ये क्या है, ये इसको हमारे वहाँ मनु बोलते हैं। और जो भी ये वीडियो देखेगा उनके वहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। ये वाला मनु जो है, ये वाला मनु पक गया है। ये देखो, पकने के बाद ये लाल लाल ऐसे कलर का हो जाता है, तो ये अभी डन हो गया है, खाने लायक हो गया है। ये पक गया है, और ये वाला अभी कच्चा है, इसको अभी 10-15 दिन और लगेंगे पकने में। तो 10-15 दिन इसको और पकने में लगेंगे, तो फिर उसके बाद इसको लोग काटेंगे। ये देखो कितने सारे मनु हो गए यार। ये पिनकट भी घूम रहे हैं यार, पिनकट मिल गया, अभी पिनकट दिखाता हूँ मैं, देखना। पिनकट हाथ में आता नहीं यार, ये देखो ये पिनकट आ गया। काम कर लो, ये पिनकट, ये पिनकट तिल चिट्टा इसको हिंदी में बोलते हैं, हमारे वहाँ पिनकट बोलते हैं। तुम्हारे वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। ये यहाँ छुपा रहे पिनकट, ये इसको हम ऐसे पकड़ते हैं। ये देखो, ये पिनकट पकड़ दिया मैंने, इसको मैं छोड़ूंगा तो उड़ेगा। ये देखो उड़ गया, ये गिर गया, उड़ा नहीं, गिर गया बेचारा नीचे। अरे गिर गया या उड़ गया, बात तो एक ही है यार, वो अभी उड़ जाएगा थोड़ी देर में। तो आपने क्यों बोला गिर गया करके? तो गिर गया, अभी वहां से उड़ जाएगा, उड़ेगा नहीं क्या वो? तो आपने जब उसको उड़ाया तो उड़ा नहीं, गिर गया वो। ये हमारा थोड़ा बहुत घास भी हमने काट दिया है, ये घास को हम ले जा। एक चीज़ और मिल गया है मेरे को, वो चीज़ भी दिखाता हूँ मैं, हमारे वहाँ उसको क्या बोलते हैं। और जो भी ये वीडियो देखेगा उनके वहाँ उसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ओके। ये जो है हमारे वहाँ इसको बोलते हैं पापड़, इसको हमारे वहाँ बोलते हैं पापड़ का घाप। इसमें छोटे छोटे वो भी आते हैं, बाद में उनको खाते हैं। इसमें अगर ऐसे करके इसमें पानी रख दो ना, तो इस पानी को आप बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हो, दूर दूर तो ले जा सकते हो। पहले टाइम में ऐसे ही करते थे खेतों में, जैसे दूर से हमारे पास खेतों में कोई बर्तन नहीं लाते थे, तो इन्हीं में इनको तोड़ के ऐसे करके उसके बाद ऐसे जैसे मोमोज बनते ना मोमोज, वैसे इसको ऐसे करके पानी बीच में स्टोर करके हम लोग लेके जाते थे इधर उधर खेतों में, कोई पानी मंगाता था जैसे ना। ये हमारे धान के गट्ठर हमारे लिए बांध दिए हैं, अभी हम इनको लेके जाएंगे। एक ये वाला, एक वाला कलाड़ी पार यार, तो वीडियो बना दे मेरे को यार, कलाड़ बहुत पारता तू। ये हमारा प्यारा सा सुंदर गांव है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल गांव। और आज थोड़ा बारिश का मौसम भी होने वाला है, इसीलिए लोग अपने अपने धान जल्दी काट रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम कभी सही हो रहा है कभी ख़राब हो रहा है। अभी आधे घंटे में पक्का बारिश होने वाली है, क्योंकि बादल लग गए हैं, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो इसीलिए हम फटाफट धान लेके अपने घर लेके जाएंगे। वहाँ रास्ते में कुछ तो हम घर ले गए हैं, कुछ हम वहाँ खेतों में इकट्ठा करके उसका ऐसे मतलब गट्ठर से लगा के ऊपर को वहाँ स्टोर कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे इसको। फिर 2-3 दिन के बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको माना जाएगा। ये देखो, ये तो मेरे को कुछ ना बनाने देता है ना मेरा भला चाहता है। ये मेरे पैंट फाड़ दे, अरे हाथ पैंट फट जा, छोड़, पैंट फट जा, काम तो कर जाके। ये देखो, ये कभी भी वीडियो बनाता ना बीच में आ जाता डिस्टर्ब करने,
ये ना मेरा भला चाहता है, ना मेरे को कोई चीज़ बनाने देता है। बहुत डेंजर आदमी है, मेरे पीछे पड़ा रहता है हमेशा ही। इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें भी देखा होगा आपने, रामनगर में इसने कैसे कैसे किया था मेरे साथ, गाड़ी में नहीं बैठने दिया था। अभी भी ऐसे ही कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। काम कर, उठा उसको, उठा उसको जल्दी, उठा उसको जल्दी, उठा और अपने आप उठा और लेके जा उसको, ठीक है? मैं नहीं उठाऊंगा उसको, एक बार उठा के देख, आराम से उठाना, धान झड़ जाएंगे, नहीं तो धान नहीं टूटने चाहिए बिल्कुल भी। उठा रहा शकल देखो, ऐसी शकल कैसे, अरे कितना काला हो गया यार। आराम से कर, आराम से देख, धान तोड़ दे, देख आराम से ले जा, धान टूट जाएगा। ये लेके चला गया देखो, एक इतना छोटा सा ले जा रहा है, इतना लंबा आदमी हो गया, देखो ना कितना ले जा रहा है, देखिए इतना तो बाबू लेके जाता छोटा सा। ये लेके चला गया। अब ये वाला धान मैं लेके जाऊंगा, मैं इसको सर में लेके जाऊंगा। ये मेरे सर में रख दिया धान, बहुत भारी हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है यार, क्या करो पाया ले जा पड़ा जा रहे, क्या करो पाया, भारी नहीं हो यार, घर आ रहा तो कुछ तो करना पड़ेगा यार, क्या करें, धान वान तो लेके जाना ही पड़ेगा, थोड़ा पता है कि नहीं, काम नहीं करेंगे तो क्या फायदा यार घर आके। अब मैं और सर में अगर धान के गट्ठे रख दो ना तो हम रास्ते भूल जाते हैं यार। अब मैंने धान रख दिया सर में तो मैं रास्ता बिल्कुल भूल गया हूँ, दो बार मैं इधर उधर घूम के फिर तीसरी बार इधर को आ गया, और अभी जाके मुझे थोड़ा रास्ता मिल गया अब, क्योंकि कुछ इसके सर में रखने के बाद कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। ये देखो रास्ता आगे से, ऐसे ऐसे रास्ते में चलता है भाई, बहुत दिक्कत होता है यार। ये देखो कीड़े पटेंगे सब मिलेंगे यार सब। पहले पहले टाइम में तो सांप भी मिलते थे भाई रास्ते में, इतने मोटे मोटे सांप, अभी सांप सांप है नहीं अभी, अब बाकी सब कीड़े पटेंगे सब मिलेंगे यार। ये देखो हमारे यहाँ के सबसे आलसी इंसान है, बट वीडियो बनाने के लिए धान उठा दिया बस, और सब आधे रास्ते तो तय लेकर आई थी भैया, है ना, सही कह रहा हूँ? तूने कहाँ फेंक दिया धान, ऐसे फेंक दिया उसको, जैसे भी है बस वीडियो बनाने के लिए लिया है धान, और वहाँ से तय लेकर आ रही है रास्ते तक है। अभी हम इसको ऐसे स्टोर करेंगे, ये जो ये है ना, इसको हम ये वाला धान भी जो अभी हम लेके आए हैं उसको भी हम ऐसे स्टोर करेंगे, ऊपर से ये पराल डाल देंगे, एक दो दिन के बाद जब सूख जाएगा अच्छे से, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग आके इसको बल्दों से, बैल होते हैं जो हमारे बल्द, उसको घुमा घुमा के हम फिनिश कर देंगे। ट्रैक्टर से भी तो होता है, ट्रैक्टर से नहीं होता है धान, पानी धान साल साल में गाँव में सब गाँव सुख में पहुँचा देगी, 5 मिनट पानी इसे पता है गाँव में पानी है। हिंदी में बोलो, कुछ कुछ लोग समझ भी नहीं पाएंगे। यो ऐसे तो नहीं आते रंगा जाएगी हो पहाड़ पहाड़। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भट खा रहा हूँ, भट, अच्छा सोयाबीन की भट होता ना, सोयाबीन की भट, वो आ रहा है इधर, आ रहा है। पहले हम क्या करते थे ना, इनको तोड़ के घर में ले जाके पानी बॉईल करके नमक डाल के खाते थे इनको, बहुत टेस्टी होता था यार। दिखाओ तो खाने इनको, दिखाओ कितना अच्छा, देख खाया भट, इनको ऐसे तोड़ो, बीज से इनके आते हैं बीजे, कैसे खा लो ना, घर आके ठंडा पानी पीना, ठंडे पानी से नहाना, इस वजह से तबीयत खराब हो गई पूरा, देख सकते हो फेस कैसा हो रहा है मेरा।